सो हे गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको बताऊंगा वी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में 4K HD क्वालिटी वीडियो कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। ओके, तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को छोड़ के मत जाइए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़े कि 4K HD क्वालिटी वी एन वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में वीडियो एक्सपोर्ट कैसे होता है। तो चलो गाइस, VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में को ओपन करते हैं और आगे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे एक्सपोर्ट अच्छी तरीके से किया जाता है। सो गाइस, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ होम स्क्रीन पे से VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को। यहाँ से मैंने ओपन किया और गाइस यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक करूँगा सेटिंग वाला ऑप्शन पे, और गाइस यहाँ से फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट सेटिंग। ओके गाइस, तो एक्सपोर्ट सेटिंग पे आ गए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आपको इंटरफेस आएगा। ओके गाइस, मेरे वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक करो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अभी करो, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। सो गाइस, कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाने के बाद आपको क्या करना है, उसकी यहाँ पे सेटिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। उस सेटिंग को आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो बड़ी आसानी से सेव करेंगे, सेव कर पाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या करना है, FPS में आपको कर देना है 60 FPS में। ओके गाइस, और गाइस बिट रेट को भी आपको यहाँ पे हाई पे क्लिक कर देना है। ओके गाइस, सबको यहाँ पे हाई कर देना है, जिससे कि आपको आपके फ़ोन की फ़ोन अच्छा डिवाइस होगा, मतलब कि आपको फ़ोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी, मतलब आपका एंड्रॉयड डिवाइस आपका अच्छा से अच्छा होगा ज़्यादा प्राइस का, तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन में आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी में वीडियो सेव कर पाएंगे। ओके गाइस, तो मेरे पास वीवो Y93 है, तो इसलिए मैं आपको 1080p में वीडियो सेव कर पाऊँगा, और गाइस 60 FPS में भी वीडियो सेव करूँगा, तो मतलब कि 4K HD क्वालिटी में वीडियो सेव होगा। कुछ इतना सेटिंग कर देने के बाद यहाँ पर ओके गाइस, तो यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से फिक्स कर लेना है, और यहाँ पे सेव एंड डोंट रिमेंड अगेंस्ट ओके पे इस पर भी क्लिक कर देना है। ओके गाइस, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पीछे जाना है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है परफॉर्मेंस पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, और गाइस यह सब कुछ आप अच्छे से आप देख सकते हैं। और गाइस आप यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ओके गाइस, तो परव्यू परफॉर्मेंस पे आपको क्लिक करना है और कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे क्लिक कर देना है, और गाइस यहाँ पे 1080p पे क्लिक कर देना है यहाँ से, और गाइस यहाँ पे 120 FPS पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको क्वालिटी में अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिल जाए और आपका टेक्सचर और शार्पनेस और अच्छी तरीके से आपको मेंटेन हो जाए अपने वीडियो में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वीडियो एक्सपोर्ट करने में। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ सेटिंग करने के बाद आपको चले जाना है वीडियो के एक्सपोर्ट में, तो उसके बाद मैं आपको एक वीडियो को एक्सपोर्ट करके दिखाऊँगा अच्छी तरीके से। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एक वीडियोस को यहाँ से ऐड करूँगा, तो ऐड करने के लिए सिंपली ब्लू आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस यहाँ से यहाँ पे वीडियो उस तरफ हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ सर मैं कुछ भी एडिटिंग यहाँ पे नहीं करूँगा, और गाइस यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट करने के लिए राइट साइड में क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो मैंने सेटिंग में आपको दिखाया कि ये सेटिंग करना है, वो सेटिंग कर लोगे तो अपने आप यहाँ से अच्छी तरीके से और एक्सपोर्ट हो जाएगा, वीडियो की क्वालिटी भी बस बहुत ही अच्छी आएगी, और गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 4K HD क्वालिटी में वीडियो सेव कर पाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे टाइटल देके आपको डिस्क्रिप्शन देके सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना। ओके गाइस, तो मैं फिलहाल के लिए कुछ भी टाइप करके यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव वाला सेव टू एल्बम पे क्लिक करोगे तो ही आपको वीडियो गैलरी में सेव होगा या और नहीं होगा। ओके गाइस, तो आप टाइटल पे सिलेक्ट करके आप वीडियो को सेव कर सकते हैं। ओके गाइस, एल्बम पे क्लिक करके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारा चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसी मिलती रहेगी। सो गाइस, मिलते हैं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।